जय ब्रह्मदेव, मदद करो ताकि मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकूं, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है। अगर वो तीनों हिस्से जुड़ गए तो इस दुनिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म ब्रह्मास्त्र को रिलीज हुए आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इन 7 दिनों के बाद भी ब्रह्मास्त्र इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही। साथ ही साथ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने आज एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और इस साल की टॉप ग्रोसर फिल्म बन चुकी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र के 7 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने आज कौन सी नई फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनने वाली एक माइथोलॉजिकल फैंटेसी एक्शन एडवेंचरस फिल्म है ब्रह्मास्त्र, जिसके लीड में आपको रणबीर कपूर आलिया भट्ट की जोड़ी पहली बार नजर आई है और इन दोनों ने ही दोस्तों ऑडियंस का दिल जीत लिया है। अमिताभ बच्चन सर, नागार्जुन सर और इस फिल्म में आपको मौनी रॉय भी नजर आई है। वहीं दोस्तों, आपको SRK यानी कि शाहरुख खान का कैमियो भी इस फिल्म में देखने को मिला है। इतने बड़े स्टार कास्ट की वजह से ही दोस्तों ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिग बजट फिल्म बन चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि अयान मुखर्जी ने इस फिल्म पर लगभग अपने 10 साल पूरे दिए हैं और इन 10 सालों की मेहनत के साथ ही दोस्तों ब्रह्मास्त्र इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते रिलीज की गई है, जहां पर दोस्तों ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 8,900 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस फिल्म ने एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ली और 75 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर ली। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर फिल्म साबित हुई और वॉर के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर तोड़ दिया और बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी ओपनर बन गई। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को भले ही मिक्स रिव्यूज मिले हो, वहीं दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए हो, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये फिल्म अपने सेकंड और अपने थर्ड डे में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करने में कामयाब रही है। और यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म अपने शुरुआती 3 ही दिनों में 225 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी और 3 दिनों में दोस्तों ये फिल्म इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 120 करोड़ और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 142 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ देख दोस्तों कुछ हेटर्स की तो बोलती भी बंद हो चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के विगडेस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि विगडेस में किसी भी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर सस्टेन और होल्ड करना काफी अहम होता है। वहीं दोस्तों ब्रह्मास्त्र भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहली ऐसी फिल्म बन रही है जो कि अपने शुरुआती 7 दिनों तक कंटिन्यू डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर रही है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म हिस्टोरिकल कमाई कर रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि ब्रह्मास्त्र, जिसने कि अपने 4th दिन इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए की कमाई की थी, इस फिल्म का दोस्तों अपने 5वें दिन का कलेक्शन लगभग 14 करोड़ रुपए का रहा। अपने 6ठे दिन भी दोस्तों इस फिल्म ने इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां लगभग 12 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की, तो वहीं दोस्तों अपने 7वें दिन यानी कि आज की भी इस फिल्म की जो एडवांस है वो इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रांग है और ये फिल्म आज लगभग 4.5 करोड़ रुपए की शानदार एडवांस के साथ ओपन हुई है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस फिल्म की 12-15% की है। IMAX 3D और 3D में दोस्तों इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो 20-25% की है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज भी बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर रही है और लगभग 11 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में पार कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो तो हो चुका होगा लगभग 178-180 करोड़ रुपए का। ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती 7 ही दिनों में सभी भाषाओं में यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में टोटल 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए ओवरसीज की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने पहले ही हफ्ते में 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है। ऐसे में दोस्तों ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड की पहली फिल्म बनने वाली है जिसने कि अपने पहले ही हफ्ते में दुनिया भर से 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर दिया है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को जिस तरह से ऑडियंस पसंद कर रही है, यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों कल, परसों और नरसों यानी कि दोस्तों अगले वीकेंड में भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर
50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेगी। और हो सकता है दोस्तों कि इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो लाइफ टाइम कलेक्शन हो वो भी 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर दे। अब देखना यही है दोस्तों कि क्या ब्रह्मास्त्र दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए की कमाई करके हिट फिल्म साबित हो पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ब्रह्मास्त्र इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से शानदार कमाई कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।